आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है m n का भाई है और b n का भाई है, इसी प्रकार m d का भाई है किंतु n d का भाई नहीं है, n का d से संबंध बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं। m n का भाई है, m जो है वो n का भाई है, यानी कि ये दोनों क्या हुए, भाई, एक ही जनरेशन के हैं, बराबर रखेंगे। b n का भाई है, यानी कि यहाँ पर b भी जो है वो n का भाई है। अब हमें इसी प्रकार m d का भाई है, m जो है वो d का भाई है। ठीक है, d के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, n d का भाई है, n बिल्कुल d का भाई ही हो जाएगा क्योंकि आपस में भाई हैं, तो ये n का d से संबंध, d के बारे में पूरा नहीं बताया गया है कि ये लड़की है या लड़का है। ठीक है, तो n का d के से संबंध बताना है, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, बहन या भाई, बात समझ गए। इन दोनों में से कोई एक आंसर में हमें आएगा, जो भी विकल्प के अंदर हमारे सामने आंसर आएगा वही हमारा राइट होगा, क्योंकि डी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है कि ये फीमेल है या मेल है, लेकिन हमें भाई के बारे में बताया गया है कि ये आपस में भाई हैं, एम डी का भाई है, तो डी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि बहन का भी भाई हो सकता है। ठीक है, तो ये बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, दोनों ही सही आंसर होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।